आराम से सांस ले ले, हवा का रुख बदलने वाला। नो डाउट इट्स अ ग्रेट बजट, गवर्नमेंट मार्केट को सुन रही है, एंड मार्क माई वर्ड्स, लिबरलाइजेशन सिर्फ शुरुआत है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अब इंडिया भी खड़ा होगा, 56 इंच की छाती लेकर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा। लोग मुझसे हमेशा टिप मांगते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के, वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर क्योंकि आज इंडिया का मार्केट खुला है, मुहूर्त वाली टिप देता हूँ। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला। सर, आप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल लेकर आए हैं, आपको क्या लगता है बजट के बाद इससे भी बड़ा धमाका होगा? देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं धमाका करने के। द पॉइंट इज कि छोटे मोटे सारे बैंक को एक साथ लाने का टाइम आ गया है। ऐसे हो गए एक, बन गई ताकत, आ गई हिम्मत, एक साथ जुड़ेंगे तो बड़ा काम कर पाएंगे। वी जस्ट कांट डील विद एनी बैंक, प्रॉफिट लॉस का भी सोचना पड़ता है। शिकारी ने जो जाल फेंका है ना, उसे एक साथ लेकर उड़िए तो सही, प्रॉफिट तो होगा ही। एक बार सिटी बैंक और उसके ब्रोकर के हाथ से डील निकल गई ना, तो हम उनका बुना हुआ जाल भी काट देंगे। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। ये बॉम्बे है, बॉम्बे यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई, मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। देख, नसीब के आगे पत्थर पड़े हो ना, तब साला बंदर भी बजा के जाता है। तेरे पीछे एक बंदर नहीं पड़ा है, पूरी वानर सेना पड़ी है। नहीं, वानर सेना नहीं, जामवंत की सेना, तो साले बैर्स पीछे पड़े हैं। ठीक है, हम भी बलवान है, हनुमान है, अगर मेरी पूछ में आग लगाएंगे ना तो धमका तो उनकी भी जगह। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा था, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। मैं ना शेयर मार्केट का था, तो टाइम से ज्यादा ताबड़तोड़ डील में विश्वास करता हूँ। अब टाइम को ज्यादा भाव दिया तो शायद मेरा भाव भी खींचता है। पैसा ही पैसे को खींचता है, लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना, तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री पता हो, प्लेयर का रिकॉर्ड पता हो, पिच की कंडीशन पता हो, तो उसे सट्टा नहीं कहते, उसे कहते हैं कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन। तू कर लेगा ना? हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने। अच्छा, आज ये फकीर नहीं फकीरी गई तरछो, तू से नहीं सेठ पे लम्मा दरछो। एक पैसा हमारे पास है, पर हमारी शक्ल देख के कोई देगा भी नहीं, तो अकल को काम पे लगा दे। किसी को 5 का 10 कमा के देंगे तो कमीशन में 8 तो मिलेगी मिलेगी। आपको पता है ये मंदोड़िया और तेजड़िया को बैर और बुल क्यों बोलते हैं? बता। बैर जो होता है ना भालू, वो हमेशा अपने पंजे से नीचे की ओर मारता है, और बुल अपने सिंह से ऊपर उछालता है। अंग्रेजी किताबें पढ़ कर आया, होमवर्क अच्छा है भाई। ये पेपर ट्रेडिंग ना, पान के गल्ले पे खड़े होके मैच देखकर गवास्कर को सलाह देने जैसा, असली मैच में उतरो डंडी उखड़ जाती है। तो हाथ में पैसा होता ना, तो असली मैच में भी गवास्कर की तरह ही खेलता। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। मेरी सेना का सेनापति तो भूषण भट्टी हो सकता। देखिए, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं, कीमत में विश्वास रखता हूं। प्रणव भाई, मुझे तो पापड़ बेलना ही नहीं, सीधा तल के खाना है, वो भी कांदा टमाटर के साथ। तेरे को कॉर्पोरेट क्लाइंट चाहिए क्या? देख, नसीब के आगे पत्थर पड़े हो ना, तब साला बंदर भी बजा के जाता है। तेरे पीछे एक बंदर नहीं पड़ा है, पूरी वानर सेना पड़ी है। नहीं, वानर सेना नहीं, जामवंत की सेना, तो साले बैर्स पीछे पड़े हैं। ठीक है, हम भी बलवान हैं,
अनुमान है, अगर मेरी पूछ में आग लगाएंगे ना तो धनका तो उनकी भी जमीन। पार्टन के महाराज की गाड़ी हर्षद भाई, सिंगल पीस है पूरे इंडिया में और अंदर 1200 सीसी का इंजन है। डार्लिंग अभी मेरा टाइम चल रहा है, तुम्हारे महाराजा की गाड़ी नहीं उनका महल भी खरीद सकते हैं। तुम इंपोर्टेड में कुछ नया दिखाओ। इंपोर्टेड का तो आपको पता ही है, एक महीने में मुश्किल से एक आती है। दुबई से एक लेक्सस आने वाली है अगले महीने, लेकिन अजय केडिया है ना, आप तो जानते होंगे, उनकी कंपनी ने ऑलरेडी बुक करा के रखी। कितने की है? अर्शद भाई मैं आपके लिए कुछ और दे। कितने की है? 45 लाख। तुमने कुछ एडवांस लिया है? लिया नहीं है, दिया है जुबान। तो गाड़ी दुबई से सीधी मेरे घर पे आएगी, 55 लाख दूंगा, 45 गाड़ी के और 10 तुम्हारी जुबान की। तुझे पता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मैन्युफैक्चर होता है? सीमेंट, स्टील, हीरोज और भगवान। आज का कॉमन आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार सब यही करते हैं। एक्चुअली हम इंडियंस को हीरो बनाने में मजा आता है। धंधा धर्म है सर, और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। Cheap people can't afford it. Only one and one my request is, I don't want bouquets, don't give me brick pens. It's too much of a swing from top to the bottom, again bringing it back, and I won't say that I am hero. Let me be what I am, and I am proud of.